आ चुके मास माचा आई देव कंड की सिंगम अगेन के कौन एपिसोड में वापस। तो डे नंबर 5 की बात करेंगे ट्यूजडे की, हमें क्या एडवांस कलेक्शन वो देखने को मिल रहा है, बट लास्ट में देखेंगे। आज की बात करें भाई मंडे के नाइट के हमें शोज है वो किस तरह दिख रहे हैं। देखो हम सिर्फ एक स्टेट को छोड़ दें, दो तीन सिटी को छोड़ दें, बाकी अनदर की बात करें, आज थोड़ा सा भाई कहना होगा कि डिसेंट जाता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। जाहिर सी बात है कि मंडे है, फुली ऑफ वर्किंग डे भी है, बट एक प्लेस ऐसा है भाई मानो कि आज संडे है, ऐसा कुछ हमें नाइट की ऑक्युपेंसी है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले राजमंदिर वाले शोज की बात करें जयपुर की, भाई क्या ग्रिच चल रहा है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, अगर आपके पास बुक माई शो है तो भाई ओपन करना एंड जयपुर जाना, राय मंदिर वाले शोज देखना, वहाँ पे शोज कोई भी शो है वो नहीं कर रहा है। शायद अभी मेरा ऐसे यहाँ पे ग्लिच चल रहा है या फिर ये शो ही भाई ग्लिच है या फिर कैंसिल हो चुका है, क्या रीज़न है भाई मुझे बताना, और आपके वहाँ पे दिखा रहा है या फिर नहीं। देखो अभी वीकेंड में राज मंदिर में एक यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग शो दिया गया, मॉर्निंग का टाइम शो दिया गया था, जो कि अभी मैंने बताया था वीकेंड जैसे ख़त्म होगा ये शोज है वो नहीं दिया जाएगा, वही दोपहर के टाइम शोज होगा एंड एक नाइट के टाइम में शोज़ है वो रहने वाला 12:30 बजे और एक रात के 9:30 बजे। एंड आज आप देखोगे 9:30 वाला शोज़ कहीं पे नहीं दिख रहा है, भाई क्या सीन चल रहा है ये। एंड कल वाले या सभी के सामने ही है 12:30 बजे एंड 9:30 बजे एंड दो शोज़ राय मंदिर वाले सिंगम के पास है एंड दो शोज़ बोल रही है 3 के पास है। बाकी देखा जाए जाए कुछ मेरे को खास भी नहीं दिख रहा है, राय मंदिर वाले को छोड़ दें हम। नेक्स्ट चेन्नई की बात करें तो चेन्नई आज ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। इससे पहले हम जब भी बात करते थे कि चेन्नई भाई मैक्सिमम शोज इवनिंग एंड नाइट के हमें ऑरेंज है वो दिखाई देते थे, जो कि आज के दिन ऐसा सीन सिनेरियो है वो देखने को नहीं मिल रहा है भाई। 5-6 के आसपास हमें ऑरेंज है वो दिखाई है वो दे रहे हैं, तो या वर्किंग डे है तो हमें बड़ा ह्यूज नंबर है वो ड्रॉप वो देखने को मिल रहा है। मूव टू हैदराबाद, भाई हैदराबाद में भाई हाल चल रहा है, एक भी शो हमें ऑरेंज है वो दिखाई है वो नहीं दे रहा है, चाहे भी वो AMB सिनेमा क्यों ना हो, AA क्यों ना हो, काफ़ी डिसेंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी देखा जाए हैदराबाद काफ़ी अच्छा नहीं जा रहा था वीकेंड से भी, फ्राइडे हो सैटरडे हो संडे क्यों ना हो, पर चलो 7-8-10-12 शोज हमें ऑरेंज है वो दिखाई देते थे, जो कि आज भाई एक भी नहीं है। नेक्स्ट अहमदाबाद की बात करें, मानो कि जो गुजरात की ऑडियंस है भाई उन्होंने तो रोहित शेट्टी को कहा होगा कि भाई बाकी आपको रिस्पॉन्स मिले ना मिले, बाकी अनदर स्टेट ऑडियंस देखे या फिर ना देखे, बट हम आपकी पिक्चर भाई एक बार नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार बार भाई अगेन देखने वाले हैं एंड आगे की ओर हम इसको पुश करने की कोशिश है वो करेंगे। यह सभी के सामने है भाई नज़ारा, क्या हमें यहाँ पे ऑरेंज है वो दिखाई दे रहा है भाई, जो हमें ये अभी जो इवनिंग नाइट के शोज देखने को मिल रहे हैं भाई ऐसा सेम सिनेरियो हमें बड़ी बड़ी फिल्मों के भाई अहमदाबाद के अंदर ओपनिंग डे में देखने को नहीं मिलता। बड़ी बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं, कोई मीडियम बजट वाली फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं एंड ये भाई यहाँ पे मंडे के दिन हमें ऐसा सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है भाई, बिलीव नहीं हो रहा है। एप्पल मल्टीप्लेक्स या सभी के सामने ही है भाई, ऑरेंज 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 छाया हुआ है। एंड नेक्स्ट सिनेपोलिस की बात करें, काफ़ी हमें अच्छा यहाँ पे एडवांस कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे शोज हैं हमें ऑरेंज है वो दिखाई है वो दे रहे हैं। नेक्स्ट सिटी गोल्ड या सभी के सामने ही है भाई, काफ़ी अच्छा सुपर ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स मिलता है वो दिखाई है वो दे रहा है, जैसे कि हमने कल के दिन देखा था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज फुली ऑफ वर्किंग डे है एंड मंडे भी है। एंड नेक्स्ट ये कॉम्प्लेक्स देख लो, काफ़ी बढ़िया चल रहा है यहाँ पे भी। मिराज सिनेमा भाई, इनके भी शोज हमें अच्छे खासे ऑरेंज है वो दिखाई है वो दे रहे हैं, सुपर रिस्पॉन्स एंड काफ़ी अच्छी ऑक्युपेंसी आती हुई दिखाई दे रही है अहमदाबाद के अंदर। नेक्स्ट ये असमी के सामने है भाई, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। मुक्त्या A2 देख लो, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई तो दे रहा है। एंड अहमदाबाद भाई काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इवनिंग शोज हो या फिर नाइट शोज हो, तो कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में 150+ शोज हमें फास्ट फिलिंग नजर है वो आ रहे हैं अहमदाबाद के अंदर भाई, सुपर ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। नेक्स्ट सूरत की बात करें भाई, सूरत में बवाल काट रही है फिल्म या सभी के सामने ही है, ऑरेंज ऑरेंज यहाँ पे भी छाया हुआ है, हाँ ग्रीन भी है, बट देखो वर्किंग डे में 10-12 शोज भी यहाँ पे हमें ऑरेंज दिखाई दे, विच मीन्स कि काफ़ी बढ़िया भाई रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात मेरे भाई आज फाड़ रहा है, अब तक की बात करें तो महाराष्ट्र से भी गुजरात आगे चल रहा है एज अ नंबर्स की बात करें, इससे यह पता चलता है कि आज भाई गुजरात कहाँ पे है। मैंने सुबह बताया था एडवांस बुकिंग के टाइम की यार महाराष्ट्र आज स्ट्रांग नहीं है, एडवांस काफ़ी स्लो डीरा हुआ है, काफ़ी वीक है, बट गुजरात देखोगे आप काफ़ी हमें अच्छा एडवांस कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है, इवन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र से भी ज़्यादा है, जो कि हमें ओवरऑल नंबर भी महाराष्ट्र से ज़्यादा आता है वो दिखाई है वो दे रहा है। नेक्स्ट मुंबई की बात करें भाई, मुंबई ज़्यादा तो नहीं है खास कोई, एंड यहाँ पे
गेटी की बात करें, गेटी में अच्छा चल रहा है। आज सुबह हमने देखा एक भी शो फास्ट फिलिंग नहीं था, अभी 6:45 वाला शो है, या सभी के सामने ही है। ज़्यादा कुछ बड़ा बड़ा नज़र तो नहीं आ रहा है, बट अभी अच्छा खासा टाइम भी है शुरू होने में, तो मे बी हमें अच्छा खासा यहाँ पे ओक्वेंसी के साथ उम्मीद करते हैं कि भाई ये शो है वो शुरू हो। सेकेंड शो भाई इनका जो 10 बजे है भाई, ये ऑलमोस्ट हाउसफुल नज़र है वो आ रहा है। देखो अभी 6:30-7 बजे, जाहिर सी बात है कि भाई आज वर्किंग डे है, पब्लिक काम पे गई होगी, ज़्यादा हम उम्मीद तो नहीं कर सकते, बट 10 वाला शो ऑलमोस्ट हमें हाउसफुल नज़र है वो आ रहा है। ये कुछ भाई सीन सिनेरियो है सिटी बाई का। अब मूव करते हैं आज के दिन हमें ओवरऑल बुक माय शो में पर हवर में किस तरह टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रहे हैं, एंड कंपैरिजन करेंगे बुल प्लेयर 3 के साथ। मॉर्निंग 7 to 8 1400 टिकट सिंगम एंड 1620 टिकट बुल प्लेयर 3। भैया शुरुआत बुल भैया 3 आ गई। नेक्स्ट 8 to 9 4600 टिकट्स सिंगम, जो कि 4850 टिकट्स बुल भैया 3। यहाँ पे भाई बुल भैया 3 आ गए। नेक्स्ट 9 to 10 8610 टिकट्स, जो कि 9520 टिकट्स बुल भैया 3। भाई अगेन डोमिनेट, काफ़ी अच्छा आसा भाई गैप दिया है। नेक्स्ट 10 to 11 13100 टिकट्स सिंगम एंड 14290 टिकट्स यहाँ पे बुल भैया 3। तो यह 10 से लेके 11 बजे के बीच में हमें बड़ा जम देखने को मिला बुक माई शो में, बट बुल भैया 3 तब भी मेरे भाई आगे जा रही है। नेक्स्ट 11 to 12 16230 टिकट्स, अगेन हमें बड़ा जम देखने को मिला, जो कि बुल भैया 18220 टिकट्स बुल भैया 3 उससे भी आगे। नेक्स्ट 12 to 1 PM 17500 टिकटें सिंगम की, जो कि 19330 बुल भैया 3। भाई वो और आगे निकल चुकी है, एंड वर्किंग डे में भाई 18000 19000 20000 टिकटें, बीच मीनस की भाई काफ़ी अभी अच्छा होल्ड है वो देखने को मिल रहा है। जो मैंने बताया था 15-18 करोड़ के आसपास नेट आ जाए दोनों फिल्मों का इर्द गिर्द थोड़ा, तो काफ़ी हमें अच्छा होल्ड अप देखने को मिलेगा, शायद इतना आ भी सकता है जो हमें बुक माय शो में होल्ड अप देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट 2 से लेके 3 बजे के बीच में 16930 टिकटें बिकी हैं सिंगम की, विच मीन्स की एक से लेके दो बजे के मुकाबले 2 से लेके 3 हमें थोड़ी सी भाई गिरावट है वो देखने को मिली है, एंड 19510 टिकटें बुल भैया 3 की। भाई इनकी कोई भी गिरावट है वो नहीं है, एंड 3 से लेके 4 बजे के बीच में 14800 टिकटें सिंगम की एंड 17440 टिकटें हमें देखने को मिली हैं बुल भैया 3 की। तो यहाँ पे भाई बुल भैया 3 ने डोमिनेट की है, एंड मॉर्निंग 7 से लेके अभी शाम के 4 बजे तक कभी भी सिंगम अगेन ने बुल भैया 3 को ओवरटेक है वो नहीं किया, और आज के दिन बुल भैया 3 ने डोमिनेट किया है। ओपनिंग डे बुल भैया 3 डोमिनेट फ्राइडे के दिन, यहाँ पे बुक माई शो की बात करें, जो कि सैटरडे के दिन हमने देखा कि सिंगम अगेन ने भाई वीट कर दिया, जो कि संडे के दिन ऑलमोस्ट भाई सिमिलर रहा, एंड मंडे अगेन बुल भैया 3 डोमिनेट कर रही है, एंड दोनों के बीच में मुकाबला काफ़ी ज़्यादा भाई टाइट है वो चल रहा है। एंड सुबह 7 से लेके अभी शाम के 4 बजे तक 1.09 लाख टिकट्स ओनली फॉर बुक माई शो में सोल्ड आउट हुए हैं सिंगम के, एंड 1.25 लाख टिकट्स है वो बुल भैया 3 के, विच मीन्स की भाई गैप दिए है अच्छा खासा वो भी। एंड एडवांस की बात करें कल के लिए एज ऑफ नाउ क्या देखने को मिल रहा है कंपैरिजन टू मंडे, हमने जब इसी टाइम डिस्कशन किया था मेरे भाई थोड़ा सा कम था, एज ऑफ नाउ 1.72 CR के आसपास है। अभी ब्लॉक सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, ये हम विद और ब्लॉक नंबर है वो बता रहे हैं, तो काफ़ी भाई अच्छा हमें एडवांस देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि कल हमें अच्छा होल्ड है वो देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये एडवांस कहीं ना कहीं 3 करोड़ के आसपास है वो जाए फाइनल, लेट्स सी। बाकी भाई कल सुबह मिलेंगे फाइनल एडवांस बुकिंग के साथ, हाँ शाम को एपिसोड आएगा बट आज की बात करेंगे उस एपिसोड में। तो फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही, आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी डे वाइज एडवांस बुकिंग, डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।